वेलकम टू स्टडी 24 दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत लॉकडाउन के अंतर्गत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत के जितने भी स्ट्रीट वेंडर वगैरह हैं उनको 10,000 की लोन दी जाएगी। तो इसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन बहुत जगह जो शुरू नहीं हुआ था, जैसे कि बिहार में नहीं मिल पा रहा था, तो अब जो है बिहार में भी शुरू हो चुका है। बिहार वाले भी आवेदन कर सकते हैं और बिहार वाले बहुत सारे आवेदन भी किए हैं और इसका लाभ भी उठा चुके हैं। तो अगर आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आवेदन करना है, बिल्कुल मोबाइल से दिखाऊंगा, ताकि आप लोग भी मोबाइल से ही आवेदन कर पाइएगा। देखते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर तो ज़रूर करिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ, यहीं से आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको आवेदन करना ही सिखाऊंगा, ताकि और जो आप लोगों के मन में सवाल होगा कि ब्याज कितना लगेगा और कैसे ब्याज वगैरह जो है सब्सिडी वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सरकार कितना देती है, उसके अनुसार मैं आपको सारा कुछ दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आवेदन कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक 272,777 लोग आवेदन कर चुके हैं, तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, देख सकते हैं, ये रहा अप्लाई फॉर लोन, यहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है, मोबाइल नंबर अपना डालिएगा और उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है आई एम नॉट रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, देख सकते हैं आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपसे जो भी पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके का आपको एक फ़ोटो दिखाया जाएगा, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये देखिए क्लिक करने के बाद ये जो आपके सामने आएगा, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है टैक्सी, टैक्सी कौन से फ़ोटो में है आपको बताना होगा, तो ये रहा, ये रहा, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करना है। देखिए ये वेरीफाई है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। करते ही अब या आप रिक्वेस्ट ओटीपी, ठीक है, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भेज दी जाएगी, जिसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके मोबाइल पे वो ओटीपी चला गया है। अब आपको यहाँ पे ओटीपी डालना होगा। तो दोस्तों देखिए अभी तक ओटीपी नहीं मिल पाई है, तो फिर हम आप यहाँ पे रीसेंड ओटीपी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओटीपी जल्दी छोड़ नहीं रहा है, तो ओटीपी मिलने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो हम रीसेंड ओटीपी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओटीपी डाल दिया है, ओटीपी भेज दिया गया है, तो ओटीपी मैंने डाला है। अब यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये ओपन होती है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास स्ट्रीट वेंडर का आईडी कार्ड है, तो अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो इस पर क्लिक करिएगा, नहीं है तो यहाँ पे आपको आने के बाद देखिए ये जो दिया गया है तीसरे में सी में, तो सी वाले पे आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर लेफ्ट आउट, यानी कि जो लॉकडाउन के दौरान सर्वे के बाद जिन्होंने ये काम शुरू किया था उन, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर आईडी कार्ड नहीं है सर्वे वेंडर का, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, अगर आपके पास किसी का आई हैव यूज्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यानी यूएलबी टीबीसी का लेटर आपके पास है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो मैं नीचे वाला पे कर देता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अब देखिए यहाँ पे अगर आप वेंडर मेंबर हैं तो इस पे सेकंड वाले पे क्लिक करना है, अगर आप कोई भी मेंबर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो शुरू वाले पे मैं कर देता हूँ क्योंकि कोई भी मेंबर नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आपको नेक्स्ट बटन दिखाई दे रही होगी, ये देखिए नेक्स्ट बटन जो आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही देखिए अब जो है ये देखिए अब यहाँ पर आपसे जो पूछा जाए, देखिए ये पूछा जा रहा है आधार नंबर, तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो आधार नंबर डाल लेते हैं।
आधार नंबर डालने के बाद आपको फिर से आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना होगा। क्लिक कर देते हैं और उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है ट्रैफिक लाइट। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग पूछी जाती है तो आपको बताना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है ट्रैफिक लाइट, इन फ़ोटो में कौन कौन से फ़ोटो में ट्रैफिक लाइट दिखाई दे रही है, तो देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये रहा ये रहा ये रहा, तो ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद अब ये जो आपको वेरीफाई नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। वेरीफाई पे वेरीफाई होने में 2 मिनट का करीब समय लगेगा, तो आप लोग इंतज़ार करके कर लीजिएगा। तो आपको एक फिर से OTP भेजा जाता है, जो कि आधार में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पे ये OTP आती है। यहाँ पे उस OTP को यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, आधार वाला OTP। OTP डालने के बाद फिर से वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। यहाँ पे आपका फ़ोटो ऑटोमेटिक आधार से ले लेता है और आपका डिटेल भी आधार कार्ड से ही ले लेता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सारा डिटेल जो आधार में है वो यहाँ पे अब खुद ब खुद आ चुका है। अब आपको यहाँ पे फादर नेम डाल देना है और आप शादीशुदा हैं कि नहीं वो डाल देना है और कैटेगरी डालना है और जो भी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे उसे आपको डालना होगा। फैमिली डिटेल डालना है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको फैमिली डिटेल यहाँ पे डालना होगा। क्लिक करके देखिए, क्लिक करिएगा तो यहाँ पे अब डिटेल यहाँ पे डालना होगा आपको अपना फैमिली। देखिए ये रहा, कितने फैमिली हैं, एक दो, तो दो डाल दीजिएगा। तो दोनों का नाम, रिलेशनशिप यानी उनसे क्या रिश्ता है और उम्र। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अगर आपके बच्चे भी हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। दो से ज़्यादा हैं तो दो यहाँ पे क्लिक करके ज़्यादा सेलेक्ट कर लीजिएगा। चार हैं तो चार क्लिक कर लीजिएगा। चारों का डिटेल यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। और आगे क्या पूछा जा रहा है देख सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस वगैरह पूछा जा रहा है, तो आप अपना फुल एड्रेस यहाँ पे भर लेंगे। बाकी तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आधार से ले लेता है, लेकिन अगर आपका करेंट एड्रेस है तो उसको आपको डालना होगा। तो चलिए मैं सारा कुछ फिल कर लेता हूँ और उसके बाद परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस होने के बाद, परमानेंट एड्रेस तो आपका आधार से ही ले लेता है, करेंट एड्रेस अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग, यानी आप कहाँ पे काम करते थे स्ट्रीट वेंडर का, तो वहाँ पे यहाँ पे डिटेल आपको उसका भरना है। वेंडिंग एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप कितना बेच लेते थे, यानी आपका इनकम कितना था, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा जो भी इनकम था उसे आप डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ ब्रांच, IFSC कोड और अकाउंट नंबर आपको डालना होता है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। तो आप लेन देन के लिए डिजिटल पेमेंट करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हाँ या ना में जवाब देना होता है। देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हाँ या ना पे क्लिक करना है, तो मैं यस कर देता हूँ। और आपको यहाँ पे अगर यस करते हैं तो आपको अपना UPI ID यानी कि जो फ़ोन पे गूगल पे का जो ID होता है उसे डालना होता है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। UPI डालने के बाद आपको यहाँ पे आपसे अगर आपने पिछले पहले कभी लोन लिया है तो उसका डिटेल भरिएगा, अगर नहीं लिए हैं तो फिर डिटेल को इसको खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ जाइए। वो 10,000 का कम से कम जो है, ये 10,000 का स्कीम है, तो मात्र 10,000 ही डालना है, ज़्यादा अभी नहीं डालना है। अगर आप इस लोन को चुका देते हैं तो अगले बार जब लोन लीजिएगा तो इसमें आप इसको बढ़ाकर भी ले सकते हैं। लोकल रेफरेंस यहाँ पे 2 लोगों का डिटेल मांग रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे भर सकते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं, तो मैं खाली छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कोई सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, जैसे आयुष्मान हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, अटल पेंशन हो गया, और या फिर किसान सम्मान निधि हो गया, या फिर स्वच्छ भारत मिशन का हो गया, और नेशनल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोन ले चुके हैं। तो अगर लिए हैं तो यहाँ पे डिटेल डालिएगा, नहीं तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। और यहाँ पर जो आपको सेव या फिर सबमिट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं सबमिट करूंगा क्योंकि फाइनल फाइनल हो चुका है, तो सबमिट ही डायरेक्ट कर लूंगा।
तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो यहाँ पे पहले से ले लिया गया है। अगर आपके पास यू पी आई आई डी का बार कोड है तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद सबमिट कर लेना है। तो यहाँ पे यू पी आई डी का बार कोड मैंने अपलोड कर दिया है, अब सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको यहां से पूछा जाएगा सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस और या फिर सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रिफरेड लेंडर, यानी आप अपने बैंक से लेना चाहते हैं जिसमें आपका अकाउंट नंबर है, खाता खोला गया है उसमें से आप लेना चाहते हैं, या फिर किसी भी जगह से आपको लोन चाहिए तो सबसे अच्छा होगा ऊपर वाला पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको कहीं से भी लोन मिल जाएगा। तो मैं ऊपर वाला पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है आई एग्री पे मैं क्लिक कर दूंगा। इसी प्रकार से आप भी आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आने के बाद देखिए सबमिट बटन जो आपको दिखाई दे रही है, सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही देखिए एप्लीकेशन में सबमिट हो चुका है, अब ये आवेदन जो है आपको भेज दिया गया है और अब आपको जो है लोन मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें आप यहाँ से आप देख सकते हैं लोन अमाउंट आपका 10,000 है, इतना ही मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉ मतलब अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं, आपको ये लोन नहीं चाहिए तो विड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेंट का जो डिटेल आपने भरा है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको देखना है सारा डिटेल तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आवेदन करने का प्रक्रिया। आपका अकाउंट जो अमाउंट है 10,000 का जो लोन है वो आपको सीधे आपके बैंक खाते में डाला जाता है, तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको कुछ डिटेल्स की ज़रूरत है जो आप लोगों के मन में सवाल होगा, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें प्रमुख बात क्या है, स्कीम की मुख्य विशेषता क्या है, देख सकते हैं 10,000 तक की प्रारंभिक काम करने लायक पूंजी आपको मिलती है। समय पर या समय से पहले अगर आप इस लोन को चुका देते हैं तो आपको 7% की सब्सिडी भारत सरकार देती है, यानी कि 7% कर ब्याज का जो है छूट मिलता है, ठीक है। आपको सीधे बैंक खाते में ही ये सब्सिडी दी जाती है और डिजिटल लेन देन पर आपको कैशबैक भी मिलता है, ठीक है, कैशबैक भी आपको मिलता है, यानी अगर आप इसे चुका देते हैं तो आपको एक भी पैसा ब्याज नहीं लगेगा, कैशबैक के माध्यम से आपको सारा पैसा लौटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य स्कीम है, स्कीम की जो है मुख्य बातें हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।